Hello guys, welcome back to my channel. This is Harshita and I hope you all are doing great. So, मैंने आज सोचा कि कुछ अलग करा जाए. यू नो नॉर्मल अभी हमने काफ़ी ट्रेडिशनल लुक्स ट्राई करे, गोल्डन लुक्स ट्राई करे. सो आई थॉट कि मैं कुछ क्लासिक स्मोकी आइज़ करूँ, क्योंकि हमें देखने में लगता है कि स्मोकी आइज़ बहुत टफ़ होगा. एंड जो बिगिनर्स होते हैं जिन्हें हल्का फुल्का मेकअप आता है, जैसे मुझे भी पहले बहुत हल्का फुल्का मेकअप आता था, लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया तो आज मुझे ऐसा लगा कि नई स्मोकी आइज़ इतना कुछ बड़ा खेल नहीं है, बहुत ही ईजीली हम उसको क्रिएट कर सकते हैं. आज मैं जो हूँ आपको बताऊँगी कि बिगिनर्स फ्रेंडली स्मोकी आइज़ कैसे क्रिएट कर. एंड डेफिनेटली आप भी मेरा ये वीडियो देख के साथ साथ इसको क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. सो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, आप ये क्रिएट कर पाए या नहीं कर पाए, एंड आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हुई इसको क्रिएट करते हुए. क्योंकि मुझे तो कुछ खास डिफिकल्टी फेस हुई नहीं इसको क्रिएट करते हुए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है एंड हमने बहुत ही बेसिक जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली यूज में यूज़ करते हैं, जैसे काजल हो गया या आई शैडो नॉर्मल वाला हो गया, उसको यूज़ करके हमने ये स्मोकी आई क्रिएट किया है. जो कि आप अगर जैसे, क्योंकि अब न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो आप उस ओकेजन में उसमें अपने पार्टीज जाओगे, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाओगे, तो उसमें ज़रूर आप ये लुक ट्राई करना. एंड अब जैसे मैंने एक एनिमल प्रिंट टॉप पहन रखा है तो ये लुक इसके साथ भी काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है. अगर आप रेड ड्रेस पहनोगे, ब्लैक ड्रेस पहनोगे, ब्राउन ड्रेस पहनोगे, इनफैक्ट कोई भी ड्रेस पहन लो, उसके साथ ऑब्वियसली यू नो कि स्मोकी आईज हर किसी पे मैच करता है, हर किसी पे सूट करता है. सो इस लुक को आप ज़रूर क्रिएट करना और मुझे बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा. So before get into the video, please hit the subscribe button and hit the notification button next to it, so that मैं जब भी कोई new video डालूँ आपको उस चीज़ का notification आ जाए और आप मेरी new videos देख सको. So first of all, I'm taking good vibes का rosehip serum and उसको drop wise मैं अपने face पे अच्छे से spread कर लूँगी और massage कर लूँगी, so that मेरा face जो है अच्छे से glow करे. To moisturize my face, I have taken लाइट मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर, और उसको भी अपने फेस पे अच्छे से स्प्रेड करके मसाज कर लूँगी. सो स्मोकी लुक देने से पहले मैंने अपनी आईब्रो को अच्छे से शेप कर लिया है और उसको अच्छे से फिल कर लिया है. यहाँ पे कॉरसल का काजल ले रही हूँ, सो मैं बहुत ही अपने लाइट हाथों से उसको अच्छे से शेप दूंगी, अच्छे से उसको फिल करूँगी, सो दैट उसकी एक अच्छी शेप आए. सो हेयर कम्स द मेन पार्ट. हमारा ब्लैक आई शेडो फैले ना, इसलिए मैंने अपने साइड्स पे टेप को अच्छे से यू नो लगा लिया है. शुगर का कंसीलर लेके अपने आई शेडो बेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. एंड देन आई हैव टेकन अ ब्राउन ट्रांजिशन शेड और उसको अपने आउटर आई कॉर्नर पे मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी और बहुत ही लाइट हाथों से उसको राउंड राउंड मोशन पे लगाऊंगी और ऐसे ही अपनी सेकंड आई पे भी उसको अच्छे से ब्लेंड करके ब्राउन आई शेडो को ट्रांजिशन फॉर्म में लगा लूंगी. द मेन मंत्रा ऑफ द परफेक्ट आई शेडो इज टू ब्लेंड. जितना अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा हमारा आफ्टर इफेक्ट आएगा. देन मैंने अपना सेम कॉलोसल काजल लिया है और उसको सबसे पहले मैं अपने जैसे मैं आई लाइनर लगाती हूँ, पहले उसको अच्छे से बाउंड्री देने के लिए उसको लाइन कर लूँगी. उसके बाद थोड़ा सा ऊपर क्रीज लाइन तक उसको फिल कर लूँगी. देन मैंने अपने फिंगर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. देन एक ब्लैक आई शेडो लिया है और उस पर जो है अपने आई शेडो को अच्छे से पेस्ट किया, नॉट इन द ब्लेंडिंग मोशन बट इन अ डैबिंग मोशन. क्योंकि आई शेडो अगर उसमें हम उसको ब्लेंड कर लेंगे तो उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा. जितना डैब करोगे उतना वो कलर जो है आपको अच्छे से यू नो कलर बहुत अच्छे से निकल के आएगा. देन मैंने बाइटी का टोनर लिया है और उसको कॉटन पैड की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लिया है. जहाँ जहाँ भी एक्सेस आई शेडो गिरा था उसको अच्छे से क्लीन कर लो, सो दैट अपना अपना बेस जो है वो रेडी कर सको. देन टू हाइड द पिगमेंटेड एरियाज जो आपके माउथ के साइड पे होते हैं या डार्क सर्कल्स होते हैं, वहाँ पे मैंने जो है एले गर्ल का ऑरेंज कलेक्टर जो है वो लगा लिया है. आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपको इतना पिगमेंटेशन नहीं है. देन मैंने लिया है शुगर का फाउंडेशन और उसको अपने फेस पे स्प्रेड कर लिया है.
देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर मैं इसको कर लूंगी अच्छे से ब्लेंड। Conceal my under eyes, I've taken again from sugar, sugar's concealer and उसको अपने inner and outer corners पे plus T zone पे अच्छे से spread करके and with the help of a brush I will blend the whole product and to you know give the perfect base. देन अगेन मैंने सेम ब्राउन ट्रांजिशन शेड लिया है। आप कोई डार्क कलर भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ आपके पास कुछ ब्लैकिश शेड है जो डार्क ब्राउन ब्लैकिश शेड, वो भी आप अपने वाटर लाइन पर लगा सकते हो, उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। देन फॉर द आई लाइनर आई हैव टेकन कलर एसेंस का आई लाइनर और उसको विंग शेप में अपने आईज पे लगा लूंगी। देन टू कंप्लीट द आईज स्मोकी आई लुक मैंने कॉलोसल काजल की हेल्प से अपने वाटर लाइन को भी अच्छे से डिफाइन कर लिया है। एंड बिफोर अप्लाइंग द फॉल्स आई लैशेज मैंने अपने आईज को मस्कारा से यू नो कर्ल अप कर लिया है एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू आई विल पेस्ट द फॉल्स आई लैशेज इन बोथ माई आईज। एंड क्योंकि हमारी आईज काफ़ी हैवी हो गई है एंड इट इज़ अ स्मोकी आई लुक सो आई विल कंटूर माई चीक्स वेरी 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 लाइटली सो दैट ये जो है ओवर पावर ना कर जाए हमारे आईज को। सो मैंने बहुत ही लाइट शेड लिया है ब्राउन कंटूरिंग शेड एंड उसको अपने चीक्स पे कंटूर कर लिया है। देन आई हैव टेकन मेबेलिन मास्टर क्रोम का हाईलाइटर और उसको अपने चीक बोन्स पे टी जोन पे एंड इनफैक्ट आप अपने फोरहेड पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जिनको ज़्यादा ज़्यादा हाइलाइटर पसंद है वो ज़्यादा हाइलाइटर भी इस पर यूज़ कर सकता है एंड डेफिनेटली यू कैन सी ऑन माय टी जोन कि मैंने कितना ज़्यादा हाइलाइटर यहाँ पे लगाया है क्योंकि आई लव टू हाईलाइट। टू मैच दिस होल लुक आई हैव कम्प्लीटेड इट बाई अप्लाइंग अ ब्यूटिफुल ब्राउन शेड ऑन माई लिप्स एंड यू कैन सी दैट माई होल लुक इज कम्प्लीट। एंड यू कैन सी दैट आई हैव क्रिएटेड दिस होल स्मोकी आई लुक फॉर बिगनर इन जस्ट 3 इजी स्टेप्स। And I hope this was helpful for you. Thank you.